हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल। माय नेम इज़ विष्णु गुप्ता एंड ऑन माय यूट्यूब चैनल आई एम जस्ट टीचिंग बायोलॉजी। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट आई हैव टेकन दिस इनिशिएटिव फॉर द क्लास 10, फॉर क्लास 11th एंड 12th। सो प्लीज़ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, प्लीज़ टेल मी आर यू इन्जॉइंग द सब्जेक्ट और नॉट। कल भी मैंने यही पूछा था कि आप इन्जॉय कर रहे हो कि नहीं सर कर रहे हो सब्जेक्ट को। प्लीज़ डू इन्जॉय योर सब्जेक्ट, ठीक है? अपने सब्जेक्ट को इन्जॉय करिए। कल भी मैंने आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ बताई थी कि अपने घर पे आप बैठे रहिए तो आप जो है कुछ एक्टिविटी अपने घर पे बैठ के भी कर सकते हैं और आप फील कर सकते हैं कि हाउ दिस प्रोसेस टेक प्लेस, ये प्रोसेस कैसे होते हैं। तो टुडे इज़ 23 अप्रैल, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और प्लीज़ अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक बटन पर प्रेस करिए, एक ही बार प्रेस करिएगा, ठीक है? उससे मुझे ये पता लग जाएगा कि हाँ स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, ठीक है? लेट्स स्टार्ट द सेशन। एज यूजल आई एम जस्ट गिविंग यू एनर्जी, आपको मैं पावर बैकअप दे रहा हूँ। पावर बैकअप कैसे दे रहा हूँ, ठीक है? विद द वेरी मोटिवेशनल कोड, मोटिवेशनल कोड के साथ मैं आपको पावर बैकअप देता हूँ जिससे आप बहुत ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। आई थिंक आती है कि नहीं आती है बताएंगे जरा आप कि हाँ सर एनर्जी आ जाती है और बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है? देखो कितनी अच्छी लाइन लिख रखी है, सबके ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। ज़िंदगी में सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है उस सलाह पर काम करना जो आप दूसरों को देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बड़ों को और छोटों को बहुत सारी एडवाइस देते हैं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा पढ़ना चाहिए, लेकिन हम खुद को उन सारी चीज़ों को खुद पे इम्प्लीमेंट नहीं करते। हम दूसरे को तो दूसरे से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सच बोलें, वो अच्छा काम करें, वो हमारे बारे में सोचें, लेकिन हम ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, ठीक है? तो जिस दिन अगर हम वो सारी एडवाइजेस अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेंगे, आई थिंक हम बहुत अच्छे हो जाएंगे, हम एक बहुत अच्छे सिटीजन हो जाएंगे, हम बहुत अच्छे एक कह सकते हैं एक मॉडल के रूप में हम रह सकते हैं, आइडियल हो सकते हैं किसी के लिए, ठीक है? क्लियर है? तो लेट्स स्टार्ट अ सेशन। यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट अप टू द स्टमक, हमने स्टमक तक डिस्कस कर लिया था और मैंने आपको बताया था कि वेन द फूड कम्स इन द स्टमक, ईसोफेगस से जब स्टमक में फूड आता है तो देर इज़ ए स्फिंटर, यहाँ पे एक टिश्यू लगा होता है जिसका नाम उसको हम क्या बुलाते हैं, स्फिंटर बुलाते हैं। दैट प्रिवेंट द बैक फ्लो, वो बैक फ्लो को रोकता है। इन स्टमक वेन द फूड रीच इज स्टोर फॉर 4 to 5 आवर, मैंने लेकिन बताया था आपको इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड, वो किस टाइप का फूड है, ऑयली फूड है कि मीट है कि वेजिटेरियन है कि सेलुलोजिक मटेरियल है, मतलब प्लांट मटेरियल है, वो डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि हर एक फूड 4 to 5 आवर तक ही रहे, वो 3 आवर भी हो सकता है, ठीक है? वो 4 आवर भी हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 आवर तक फूड यहाँ पे रहता है, ठीक है? जब फूड स्टमक में आ जाता है, ठीक है, देन जो इंटरनल वॉल होती है स्टमक की, दैट कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसके पास क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ठीक है? एंड इन दैट गैस्ट्रिक ग्लैंड, उस गैस्ट्रिक ग्लैंड में आपको मैंने बताया था क्या सेक्रेट होता है, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सेक्रेट करती है, गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करती है, ठीक है? गैस्ट्रिक जूस के 3 कंपोनेंट मैंने कल आपको बताए थे, HCl बताया था, पेप्सिन बताया था, और क्या बताया था, म्यूकस बताया था, ठीक है? इन तीनों के फंक्शन मैंने आपको क्लियर कर दिया था और ये भी बताया था कि जो गैस्ट्रिक जूस है वो कितने लीटर डेली रिलीज़ होता है, 3 लीटर। तो 3 लीटर अगर HCl, मतलब 3 लीटर में HCl भी है, और HCl जो इनर वॉल है स्टमक की उसको डैमेज कर सकता है। मैंने आपको बताया था अगर एसिड में अगर हम अपनी हाथ को डाल दें तो हमारा हाथ भी जल जाएगा, ठीक है? तो डेली जो है पता नहीं कितनी एसिड रिलीज़ होती है स्टमक में, तो स्टमक की जो इनर वॉल है वो भी डैमेज हो जानी चाहिए, लेकिन वो डैमेज नहीं होती। किसकी वजह से, म्यूकस की वजह से। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी बॉडी में HCl का सेक्रेशन ज़्यादा होने लगता है ड्यू टू सम प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम होती है, इंटरनल फैक्टर की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे कंडीशन में उनमें एसिडिटी ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों को एक प्रॉब्लम होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जिसका नाम होता है अल्सर, आपने सुना होगा अल्सर, अल्सर मतलब होता है घाव। तो उनकी बॉडी में क्योंकि एसिड रिलीज़ हो रहा है, तो एसिड क्या करता है कि जो इनर वॉल है स्टमक की या इंटेस्टाइन की, उसको क्या करता है, कोरोड कर देता है, तो वहाँ पे ब्लीडिंग होने लगती है, उसी को हम क्या बुलाते हैं, अल्सर बुलाते हैं। वैसे तो अल्सर मतलब घाव होता है, जैसे माउथ अल्सर बहुत लोगों को हो जाता है, वो भी एसिड की वजह से हो सकता है। जो एसिड है वो माउथ तक जब आती है तो हो सकता है, आपने सुना होगा ये बहुत कॉमन लैंग्वेज है कि हमारा गला जल रहा है, आज कुछ खाना वगैरह स्पाइसी फूड खा गया, थोड़ी देर बाद कुछ देर बाद आपको ऐसा लगता है कि आपका गला जल रहा है। एक्चुअली गला जलता नहीं है, वो एसिड की वजह से जो मेम्ब्रेन है ईसोफेगस की वो रप्चर्ड हो जाती है, तो आपको लगता है कि कुछ जलन हो रही है, समझ में आया, ठीक है? तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रख के रखना चाहिए जिससे एसिड का सेक्रेशन कम हो, ठीक है? एक अमाउंट तक हो, लेकिन एक अमाउंट से ज़्यादा ना हो।
तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ रखी थी। देखो एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है रेनिन, इट इज़ नॉट सेक्रेटेड इन द एडल्ट, ये जो है इन्फेंट में इसका सेक्रीशन होता है और ये मिल्क का डाइजेशन करता है, ये याद रखना, ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा नहीं है। रेनिन क्या है, रेनिक एक एंजाइम है जो स्टमक में ही रिलीज़ होता है, लेकिन ये किसकी बॉडी में रिलीज़ होता है, इन्फेंट की बॉडी में रिलीज़ होता है, और मोस्टली ये किसके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मिल्क के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नाउ इन द स्टमक द फूड इज़ एसिडिक, स्टमक में जो फूड है वो कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, स्टमक में जो फूड है वो कैसा है, एसिडिक है। नाउ फ्रॉम द स्टमक व्हेन द फूड पासस टू द इंटेस्टाइन, जब फूड जो है वो किस में पास होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, तो फूड अभी तक क्या है, एसिडिक था। व्हेन द फूड विल रीच इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज, जैसे ये स्टमक, मैं फिर से डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, ये स्टमक हो गया। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे ये ट्विस्ट कर रहा है, ये एक मिनट, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ठीक है, ये हो गया स्टमक, और देखो स्टमक जहाँ पे ट्विस्ट कर रहा है, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है, ये यहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मतलब जो सी शेप बन रहा है ऐसे, जैसे ये स्टमक आया, स्टमक ऐसे ट्विस्ट कर रहा है, ये ट्विस्ट कर रहा है, ये जहाँ पे ये ट्विस्ट कर रहा है, देखो कौन सा शेप बन रहा है, सी शेप बन रहा है। ठीक है, ये दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यही फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिसको हम डियोडेनम बुलाते हैं। ठीक है, वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जो ड्यूडेनम होता है, दिस ड्यूडेनम, इसी ड्यूडेनम पार्ट से दो ग्लैंड अटैच होती हैं, एक तरफ लीवर और दूसरी तरफ पैंक्रियास, इस डायग्राम में देखो। ठीक है, ये देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया, एक तरफ यहाँ पे कौन अटैच है इससे, लीवर, और सेकंड दूसरी तरफ कौन सी ग्लैंड अटैच है, पैंक्रियास। तो दो ग्लैंड किस पार्ट से अटैच होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो क्यों अटैच होती हैं, जिससे लीवर का जो सेक्रीशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचे, पैंक्रियाज को जो सेक्रीशन है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचे, और व्हेन द स्टमक मीट, मतलब कनेक्ट टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, अगेन देर इज ए स्फिंटर, वहाँ पे भी स्फिंटर होगा। ठीक है, इस डायग्राम में देखो, ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है ये, ठीक है, यही है स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट, जिसको हम ड्यूडेनम बुलाते हैं, और देख रहे हो यहाँ पे लीवर और ये स्प्लीन है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं दिखा रखा है, लेकिन यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, बीनीथ द स्टमक, स्टमक के जस्ट नीचे यहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो दोनों का जो सेक्रीशन है वो कहाँ पहुँच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, जिसको हम कौन सा पार्ट बुलाते हैं, ड्यूडेनम बुलाते हैं। ठीक है, आप देखो लीवर और पैंक्रियास के बारे में सबसे पहले स्टडी करते हैं कि लीवर और पैंक्रियास क्या होते हैं और इनका क्या फंक्शन है। ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। देखो लीवर क्या है, लीवर एक लार्जेस्ट बॉडी की, और लीवर का हमारे बॉडी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कोई भी ऐसा फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं है बॉडी का जिसमें लीवर का कंट्रीब्यूशन ना हो। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, पहले तो ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, इट सेक्रीट बाइल जूस, बाइल जूस सेक्रीट करता है, और बाइल जूस कहाँ स्टोर हो जाता है, गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, देन द बाइल जूस में होता क्या क्या है, एक तो बाइल पिगमेंट होता है जिसको बाइलोरुबिन बुलाते हैं, ये येलो कलर का पिगमेंट होता है, और ये पिगमेंट हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है, ये पिगमेंट जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, मतलब हमारी बॉडी इसको मतलब बाहर की तरफ शिफ्ट कर देती है। ठीक है, तो कुछ अमाउंट इसका यूरिन के थ्रू और कुछ अमाउंट फीकल मैटर के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है, समझ में आया। ठीक है, ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। उसके बाद बाइल जूस में ही बाइल सॉल्ट होता है, देख रहे हो सॉल्ट, ठीक है, ये दिख रहा है ना, बाइल सॉल्ट होता है। बाइल सॉल्ट ही रिस्पॉन्सिबल है इमल्सिफिकेशन के लिए। इमल्सिफिकेशन मतलब जैसे आप जब पूड़ी या पराठा खाते हो तो आपके हाथ में ऑयल लग जाता है। ठीक है, ऑयल को आप अगर वाटर से केवल वॉश करते हो तो वो सही से उसके जो स्टेन है वो जाते नहीं है, तब आप किसकी हेल्प लेते हो, सोप की हेल्प लेते हो। सोप जब उस पर लगाते हो तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट फॉर्म हो जाते हैं, जिसको हम मिसल्स बोलते हैं। मतलब सोप कर क्या रहा है कि जो आपके स्किन पे जो ऑयल लगा था उसको ब्रेक कर रहा है। ठीक है, सेम प्रोसेस हमारे भी एलिमेंट्री कैनाल में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन करता है, बाइल जूस मतलब बाइल सॉल्ट करता है। बाइल सॉल्ट क्या करता है, एक प्रोसेस करता है जिसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, ये डायरेशन नहीं करता, याद रखना। एक क्वेश्चन भी आता है कि बाइल जूस डज नॉट हैव एनी एंजाइम, इसके पास कोई एंजाइम नहीं होता, फिर भी ये डायरेशन में हेल्प करता है, कैसे, बिकॉज इट ब्रेक डाउन द लार्ज फैट ग्लोब्यूल इनटू स्मॉल, ये लार्ज फैट ग्लोब्यूल को स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में चेंज कर देता है।
ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, इमल्सीफिकेशन। क्लियर है? तो व्हाई द लीवर इज़ इम्पॉर्टेंट इन द डाइजेशन, बिकॉज इट सेक्रीट, इट प्रोड्यूस बाइल जूस, बाइल जूस का सेक्रीशन करता है। बाइल जूस जो है वो मेनली फैट पे वर्क करता है, और एल्कलाइन फूड, अभी तक स्टमक में फूड कैसा था, एसिडिक था, वो एल्कलाइन हो जाता है जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, समझ में आया? ठीक है, उसको एल्कलाइन भी कर देता है। इमल्सीफिकेशन क्या है, मैंने ये बता दिया, इमल्सीफिकेशन मतलब डाइजेशन नहीं, जैसे बहुत बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल हैं, ठीक है, अगर बहुत बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल हैं, सपोज़ ऐसे बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल हैं, इनको छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में चेंज होना ही, ये मान लो फैट है, फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल हैं और ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स हैं, अगर फैट के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स हो जाएंगे तो उनका डाइजेशन ईजी हो जाएगा, ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, इमल्सीफिकेशन। समझ में आ गया? ठीक है, तो बाइल जूस का जो मेन रोल है वो क्या है, इमल्सीफिकेशन है। क्लियर? अब आ जाओ पैंक्रियास पे, बाइल लीवर का तो समझ में आ गया कि हाँ लीवर का क्या फंक्शन है, अब नेक्स्ट पे आ जाओ पैंक्रियाज पे। देखो पैंक्रियाज इज़ अ ग्लैंड, पैंक्रियाज क्या है, ग्लैंड है, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड होती है, बीनीथ द स्टमक। आपने लीवर को देखा जस्ट अपोजिट राइट साइड पे होती है स्टमक के, और जो पैंक्रियाज है वो स्टमक के जस्ट नीचे बीनीथ द स्टमक होती है, ठीक है। अब पैंक्रियाज जो है दैट सेक्रीट पैंक्रियाटिक जूस, वैसे तो पैंक्रियाज क्या सेक्रीट करता है, पैंक्रियाटिक जूस, लेकिन पैंक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो डुअल फंक्शनिंग ग्लैंड है, ठीक है, डुअल नेचर होता है उसका, एक तरफ तो एंजाइम सेक्रीट करती है और दूसरी तरफ वो हार्मोन भी सेक्रीट करती है, दोनों करती है, ठीक है। पैंक्रियाटिक जूस मतलब वो एंजाइम सेक्रीट करेगी, जिसमें एक एंजाइम होगा जिसका नाम है ट्रिप्सिन और दूसरा नाम होगा लाइपेज, ठीक है, आपको मैंने बताया था ना लास्ट में, अगर एज आ जाए तो जान लेना वो एंजाइम है, लेकिन देखो ट्रिप्सिन के लास्ट में एज नहीं है लेकिन फिर भी ये एंजाइम है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट द प्रोटीन, ये देखो ट्रिप्सिन किसका डाइजेशन करेगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूओडेनम पार्ट में, प्रोटीन का, एंड लाइपेज विल डाइजेस्ट द फैट। और याद रखना जो बाइल है अगर वो इमल्सीफिकेशन नहीं कर रहा है तो लाइपेज जो है वो फैट का डाइजेशन प्रॉपरली नहीं कर सकता, ठीक है। तो लाइपेज किसका डाइजेशन करेगा, फैट का डाइजेशन करेगा। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि वेयर डज द डाइजेशन ऑफ फैट टेक प्लेस, तो यू विल राइट डाउन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जिनको ड्यूओडेनम याद है वो ड्यूओडेनम ही लिख सकते हैं, लेकिन अगर ड्यूओडेनम भूल गए तो यू कैन राइट डाउन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इस तरह से ये किसका फंक्शन हो गया, पैंक्रियाटिक जूस का। अगर आउट ऑफ द सिलेबस की बात करें तो पैंक्रियाटिक जूस में एमाइलेज भी रिलीज होता है, और आपको एमाइलेज का फंक्शन पता है कि वो जो स्टार्च होता है उसका ब्रेक डाउन करता है। क्लियर है? ठीक है, अब देखो हार्मोन, मैंने ये लगा भी दिया है यहाँ पे, एक लाइन लगा दी है ताकि आपको ये काम करेगी कि हार्मोन दो हार्मोन रिलीज़ करता है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। आपने डायबिटिक पेशेंट के बारे में सुना होगा, जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके बॉडी में इसी इंसुलिन हार्मोन का सेक्रीशन कम होता है, लेवल कम हो जाता है, तो इसीलिए उनके बॉडी में हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन जो होता है वो ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, और एक और हार्मोन होता है जिसका नाम है ग्लूकेगॉन, वो ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। तो दोनों मिलके ब्लड ग्लूकोज लेवल को बैलेंस रखते हैं, बढ़ाते भी हैं और घटाते भी हैं, क्यों? क्योंकि बैलेंस करने के लिए। तो अगर इंसुलिन मोस्ट ऑफ द जो पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन की वजह से ही परेशान होते हैं, क्योंकि उनको डायबिटीज़ हो जाती है तो उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। लो ब्लड शुगर वालों को आपने बहुत कम सुना होगा, हाई ब्लड शुगर वालों को ज़्यादा सुना होगा, समझ में आ गया? तो ये पैंक्रियास का फंक्शन हो गया, ठीक है। अब देखो जो तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूओडेनम पार्ट में क्या क्या किसका किसका डायरेशन हो गया, ड्यूओडेनम में किसका किसका डायरेशन हो गया, प्रोटीन का डायरेशन हुआ और फैट का डायरेशन हुआ, समझ में आ गया? ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट में ड्यूओडेनम में फैट का और प्रोटीन का डायरेशन हो गया। अब जब फूड आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, जब फूड आगे की तरफ जाएगा दूसरे पार्ट में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अदर पार्ट में जब जाएगा तो वहाँ पे फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा, ठीक है। अभी तक फूड का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ था। कंप्लीट डाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमने खाया था स्टार्च, ठीक है, अब सारा स्टार्च माउथ में तो माल्टोज में चेंज हो नहीं गया होगा, कुछ स्टार्च तो माल्टोज में चेंज हो गया था लेकिन अभी भी कुछ स्टार्च बचा होगा, उसका डाइजेशन आगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो स्टार्च किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा, और ग्लूकोज एक क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है, ग्लूकोज इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन। मतलब अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि वेयर डज द डाइजेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस, तो तुम उससे बोलना मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, मुझे विष्णु सर पढ़ाते हैं, ठीक है। ग्लूकोज का डायरेशन कहीं नहीं होता, ग्लूकोज का केवल एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि ये तो सबसे सिंपल फॉर्म है, अब इसका डायरेशन नहीं होगा, समझ में आया? तो स्टार्च का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज है,
और इसी प्रोसेस को तो हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूओडेनम के बाद जब फूड आगे बढ़ेगा तो उसका फाइनल डाइजेशन हो जाएगा, मतलब डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्च किस में चेंज हो गया, ग्लूकोज में चेंज हो गया, और हमने क्या खाई थी, प्रोटीन। प्रोटीन का जो सबसे फाइनल प्रोडक्ट है वो है अमीनो एसिड, ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट है। अमीनो एसिड के बाद अब इसका डाइजेशन नहीं होगा, इसका केवल एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद हमने खाया था फैट, द फैट विल चेंज इन द फैटी एसिड, फैट का किस में चेंज हो जाएगा, फैटी एसिड में चेंज हो जाएगा, और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। इस तरह से डाइजेशन कंप्लीट हो गया तीनों का, क्लियर है, ठीक है। अब जब डाइजेशन कंप्लीट हो गया तब इनका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एक्चुअली जैसे मान लो अगर किसी कोई दीवार है, ठीक है, अब दीवार में ब्रिक्स लगे हुए हैं, तो आप जो है उस दीवार का शेप नहीं चेंज कर सकते, तो आप क्या करोगे, उनसे ब्रिक्स निकाल लोगे। उस ब्रिक्स को निकाल के आप अपने अकॉर्डिंग शेप को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो हमारी बॉडी भी यही करती है, जब हमारी बॉडी में फैट आता है, हम फैट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, स्टार्च खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उनसे सबसे जो बेसिक यूनिट है उनको निकाल लेती है। फैटी एसिड निकाल लिया, अमीनो एसिड निकाल लिया, ठीक है, ग्लूकोज निकाल लिया, और अपने अकॉर्डिंग उनका अलग से फॉर्मेशन करती है अपने नीड के अकॉर्डिंग। अगर उसको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उन केमिकल की हेल्प से उनका वो फॉर्मेशन उन्हीं के हेल्प से कर लेती है। समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से फाइनल डायरेक्शन क्लियर हो गया कि फाइनल डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन हो जाता है, देखो मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी है, फाइनल डाइजेशन हो जाता है। फाइनल डाइजेशन मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख रखा है, जो मैंने अभी समझाया वही यहाँ पे। अब जो फूड है वो सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। अब जब चेंज हो गया तो उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन क्यों होगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे स्ट्रक्चर मिलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं विली, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, इन्हीं को हम बुलाते हैं विली। और विली में देखो ये ब्लड वेसल्स लगी होती हैं, ये जो स्ट्रक्चर बना है ये ब्लड वेसल्स हैं, और ये जो ड्रॉप ड्रॉप है छोटे छोटे, देखो ये कुछ मैंने ड्रॉप इस तरह से बना रखे हैं डायग्राम में, यही फूड पार्टिकल्स हैं, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, ठीक है, ये सब ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है। तो इनका ये एब्जॉर्प्शन करते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन करके ये कहाँ पे चले जाते हैं, ब्लड में चला जाता है। समझ में आया क्या, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे विली प्रेजेंट है, और विली एक दो नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती हैं, न्यूमरस होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। और ये विली सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, जितनी ज़्यादा विली होंगी उतनी ज़्यादा सरफेस एरिया उसका होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एब्जॉर्प्शन भी बहुत जल्दी हो जाएगा। समझ में आ गया। तो जितना भी फूड डाइजेस्ट हो चुका था, ठीक है, जिसको फाइनल प्रोडक्ट में चेंज हो चुका था, वो सब कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। किसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा, विली के थ्रू हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। और एक और ब्लड वेसल्स होती हैं यहाँ पे, जिनका नाम होता है लिम्फ। यहाँ पे एक लिम्फ वेसल्स लगी होती हैं, बाद में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन पार्ट में डिस्कस करेंगे। जो लिम्फ वेसल्स होती हैं इसमें फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, याद रखना, फैट का एब्जॉर्प्शन ब्लड में नहीं होता, नोट कर लेना, ठीक है। फैट का एब्जॉर्प्शन किस में होता है, लिम्फ वेसल्स में होता है, बाद में ये ब्लड को ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन सबसे पहले फैट का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लिम्फ में होता है, लिम्फेटिक वेसल्स की वजह से। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ब्लड में वेसल्स तो लगी होती हैं, आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, लेकिन जो लिम्फ भी लगी होती है, लिम्फ फैट का एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है, और बाद में ब्लड को क्या कर लेता है, पोर कर देता है, बाद में ब्लड में जाके फैट को मिला देता है, क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट था, ये समझ लेना, वैसे आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ये बता दिया आपको, ठीक है। तो क्लियर हो गया, डाइजेशन भी हो गया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया। एब्जॉर्प्शन कहाँ हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि वहाँ पे विली प्रेजेंट है, और विली क्या होती है, इनर वॉल, जैसे सपोज़ ये स्टमक की इनर वॉल है, इसी इनर वॉल पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। तो ये इनर वॉल का मॉडिफिकेशन है, जैसे मैंने स्टमक में बताया था कि स्टमक की इनर वॉल गैस्ट्रिक ग्लैंड में मॉडिफाई हो जाती है, ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल विली में ट्रांसफॉर्म, मतलब विली में मॉडिफाई हो जाती है, और वो किसका एब्जॉर्प्शन करती हैं, फूड का एब्जॉर्प्शन कर लेती हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन के बारे में। अब देखो क्या बचा, वेस्ट मटेरियल बचा हमारे बॉडी में। अब एलिमेंट्री कैनाल में क्या बचा, वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल मतलब जिसका डाइजेशन नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे हम जो भी फूड खाते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि ऑल द पार्ट ऑफ द फूड गेट डाइजेस्टेड, उसका डाइजेशन हो जाए। अनडाइजेस्टेड पार्ट, वेस्ट पार्ट, जो हम ज़्यादा खा चुके हैं उसका डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो सब मिलके एक अलग से एक वेस्ट पार्ट बना लेता है बॉडी में, जिसको हम बुलाते हैं, उसी पार्ट को हम बुलाते हैं फीकल, ठीक है, उसी पार्ट को हम फीकस, फीकल मैटर बुलाते हैं। वो जो फीकल मैटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र हो जाता है,
ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है उसको मैं एक बार आपको डायग्राम में फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये देखो, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये सब लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये जो बीच में ही ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब देखो, जब स्मॉल इंटेस्टाइन ज्वाइन करेगी लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है, तो यहाँ पे स्फिंटर नहीं लगा होगा, यहाँ पे वॉल्व लगा होगा, याद रखना। यही एक ऐसा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल में जहाँ वॉल्व लगा होता है। बहुत ध्यान से समझना, बहुत कम जगह, मतलब कम प्लेसेस पे ये एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा, ठीक है। देखो, मैंने बताया था स्फिंटर बैक फ्लो प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन वॉल्व कभी भी बैक फ्लो प्रोवाइड नहीं कराता। अब यहाँ पे वॉल्व क्यों लगा होता है, क्योंकि यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, वो यूज़फुल प्रोडक्ट नहीं है, वो वेस्ट प्रोडक्ट है। वेस्ट प्रोडक्ट अगर बाहर की तरफ, पीछे की तरफ आ जाए, ठीक है, तो वो जो गुड फूड है, मतलब जो एसेंशियल सब्सटेंसेस हैं, उनको भी क्या कर देगा, कंटेमिनेट कर देगा, उनको भी गंदा कर देगा। जैसे आपके घर से अगर पानी निकला, ठीक है, और ये पानी निकल के आगे जाके ड्रेन में चेंज हो गया, ठीक है, आप ये चाहोगे कि आपके जो सप्लाई वाला पानी है वो ड्रेन में चला जाए, लेकिन ड्रेन वाला पानी कभी भी सप्लाई आपके वाटर के साथ मिक्स हो जाए, कभी आप चाहोगे, नहीं चाहोगे। तो यहाँ पे आप ऐसा कुछ लगा दोगे कि ड्रेन का वाटर पीछे ना आए, सप्लाई वाला पानी वाटर जो पाइप से आगे की तरफ चला जाए ड्रेन में, लेकिन ड्रेन का पानी पीछे ना आए, सेम एज़ यहाँ पे। तो वॉल्व क्या करता है, बैक फ्लो, पूरी तरह से बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, ये किसी भी कंडीशन में बैक फ्लो प्रोवाइड नहीं कराता, ठीक है, क्लियर है। अब इस ये जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारे बॉडी का, जिस जो हमारे एंसेस्टर के पास फंक्शनल था, अब हमारे पास है लेकिन इसका कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। बहुत लोगों को अपेंडिसाइटिस होता है, पेन होता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसको डॉक्टर्स क्या होता है, सर्जरी करके इसको हटा देते हैं, सिजेरियन के हेल्प से, मतलब इसको कट करके हटा देते हैं इसी, और उस डिज़ीज़ को बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, ठीक है। जहाँ पे बिल्कुल लास्ट में साइटिस वर्ड आ जाए किसी के भी पीछे, तो उसका मतलब होता है इन्फेक्शन। अगर अपेंडिक्स में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। इसी जहाँ पे अपेंडिक्स लगा होता है उसी पार्ट को हम सीकम बुलाते हैं, CAECUM। ये सबसे पहला पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है, स्वेलन पार्ट होता है। सीकम के बाद देखो कोलन है, कोलन के बाद रेक्टम, तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहले वेस्ट मटेरियल सीकम में ट्रांसफ़र होगा, तब कोलन में जाएगा, और तब कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, रेक्टम में जाके स्टोर होता रहता है। और जब रेक्टम फुल हो जाता है तो हमें इजेशन की अर्ज आती है, मतलब हमें फीलिंग आती है, और हम एनस के थ्रू उस वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी से हम बाहर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन का रोल समझ में आ गया कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट हैं, देखो सीकम, कोलन और रेक्टम, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। वेस्ट मटेरियल में जो है बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं, इसीलिए बोलते हैं, देखो नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम चलाई थी ODF, ओपन डिफिकेशन, ठीक है, ODF को, मतलब ODF स्कीम लॉन्च की थी कि ओपन डिफिकेशन है उसको बंद किया जाए, टॉयलेट का फॉर्मेशन, आपने एक मूवी भी देखी है टॉयलेट, तो ऐसी कंडीशन में अगर फीकल मैटर बाहर रह जाता है और उससे बहुत सारे फ्लाइज, बहुत सारे मॉस्कीटोज आके फूड को कंटेमिनेट कर देते हैं, तो टाइफॉयड या बहुत सारी ऐसे डिजीजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि फीकल मैटर में बैक्टीरिया भी होते हैं, क्लियर है। तो इस तरह से, और जो लार्ज इंटेस्टाइन में, उसमें कोई डाइजेशन नहीं होता, फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और ड्रग्स का मतलब वाली ड्रग नहीं, हीरोइन और ये स्मैक नहीं, ड्रग्स का मतलब मेडिसिन का से मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से डाइजेशन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको आप कंप्लीट कर लेना, डायग्राम ड्रॉ कर लेना, और जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए उन सबको नोट्स में कंप्लीट कर लेना, देन आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक। इस टॉपिक से मैं कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, दैट विल बी द असाइनमेंट ऑफ योर दिस लेसन, इस लेसन के वो असाइनमेंट हो जाएंगे, क्लियर है। अगर कोई भी टॉपिक नहीं क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को फिर से देख लेना, फिर भी नहीं क्लियर होता है तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना, आई विल क्लियर योर डाउट्स। मैं आपके डेफिनेटली आपके नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ये डायग्राम है, सिंपल सा डायग्राम है, इसके ऊपर भी एक डायग्राम है, ये इसकी भी हेल्प ले सकते हो बनाने में। डायग्राम की प्रैक्टिस ज़रूर करना, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई हैव एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पार्ट, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड, एंड स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, आई टोल्ड यू, प्लीज़ टेल मी, आई विल क्लियर योर डाउट्स। सो आई एम एंडिंग दिस सेशन, मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। और आई होप दैट यू आर स्टडिंग एट योर होम, गिव मोर टाइम एंड प्लीज़ कम्युनिकेट टू सो मेनी स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन गेट बेनिफिट, ये मेरी क्लासेस का बेनिफिट उनको भी मिल पाए, ठीक है। तो लेट्स आई एम एंडिंग दिस सेशन, स्टे एट योर